दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने Realme के किसी भी मोबाइल फोन के पैटर्न लॉक, पासवर्ड या फिर पिन को तोड़ना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग अपने मोबाइल फोन को बहुत ही आसानी से बिना कंप्यूटर के अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों, जो ट्रिक मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ या फिर जो तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके को सबसे पहले मैंने खुद पर अप्लाई किया, यानी खुद के Realme के मोबाइल फोन का लॉक तोड़ के देखा। जब मेरे मोबाइल फोन का लॉक टूट गया, उसके बाद ही दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करके बता आने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, अगर आप लोग उन टिप्स को नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन को अनलॉक नहीं कर पाओगे, लॉक नहीं तोड़ पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिक को बताने से पहले एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करोगे, अपने मोबाइल फोन का लॉक तोड़ोगे तो आपके मोबाइल फोन में जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा चला जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा इंपॉर्टेंट हो तो प्लीज़ दोस्तों इस ट्रिक को अप्लाई मत करना, नहीं तो आप लोग मुझसे कहोगे आपने ऐसी ट्रिक बताई जिससे हमारे मोबाइल फोन का डेटा चला गया। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तब दोस्तों आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है और कैसे आप लोग अपने Realme के किसी भी मोबाइल फोन के पैटर्न लॉक, पासवर्ड या फिर पिन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग अपने Realme के मोबाइल फ़ोन का लॉक तोड़ना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर Google फाइंड माई डिवाइस नाम का ये जो ऐप्स है अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग इस ऐप्स को ओपन करोगे, ये ऐप्स आप लोगों के सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को सबसे पहले साइन इन एज अ गेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपने Realme के मोबाइल फ़ोन में जो Gmail अकाउंट लॉगिन है उस Gmail अकाउंट को डाल देना है। तो दोस्तों यहां पे आप लोग अपने उस Gmail अकाउंट या अपने मोबाइल नंबर को टाइप कर दीजिए जिससे दोस्तों आपने उस Gmail अकाउंट को क्रिएट किया था और जो आपके उस Realme के मोबाइल फोन में अभी लॉगिन है जिसका आप लोग लॉक तोड़ना चाहते हो। दोस्तों, Gmail अकाउंट डालने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उस Gmail अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर देना है जिसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो। दोस्तों, पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके इस मोबाइल फोन में ये जो Gmail अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि इस फोन में अभी बैटरी 73% है और जियो का 4G सिम कार्ड चल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उस फोन में अभी इंटरनेट सुविधा भी अवेलेबल है और यहाँ पर दोस्तों उस फोन की लोकेशन भी देखने को मिल जाती है। यहीं पर दोस्तों आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला होता है प्ले साउंड का, दूसरा होता है सिक्योर डिवाइस का और तीसरा होता है इरेज डिवाइस का। दोस्तों, अगर आप लोग प्ले साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके उस मोबाइल फोन में रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग अपने मोबाइल फोन को परमानेंटली लॉक भी कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का लॉक तोड़ना चाहते हो तो दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे इरेज डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को इरेज डिवाइस का ये जो ऑप्शन है इस पर फिर से क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो आइडेंटिटी है वो फिर से यहाँ पे करनी होगी कि आप लोग वाकई में अपने मोबाइल फोन का जो लॉक है वो तोड़ना चाहते हो या फिर नहीं तोड़ना चाहते हो। तो दोस्तों, आप लोग जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और दोस्तों फिर से यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड टाइप करोगे, तो दोस्तों मैं जल्दी से फिर से पासवर्ड को टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों, पासवर्ड को टाइप करने के बाद जैसे ही आप लोग फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग परमानेंटली इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके उस मोबाइल फोन का जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली से टूट जाएगा। आपको उस मोबाइल फोन के लॉक पे क्लिक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल फोन को टच करने की भी जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली हार्ड रिसेट हो जाएगा और दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो लॉक टूट जाएगा। आपको मोबाइल फोन को आप स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली से स्विच ऑन होगा और आपको मोबाइल फोन का फिर से नए जैसा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई करके अपने मोबाइल फोन के पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड या फिर पिन को अनलॉक करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको उस Realme के मोबाइल फोन में Gmail अकाउंट जो लॉगिन है वो याद होना चाहिए और उसमें दोस्तों जो पासवर्ड आपने सेट करके रखा हुआ था अपने Gmail अकाउंट में वो याद होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके Realme के मोबाइल फोन में जिसका आप लोग लॉक तोड़ना चाहते हो उसमें इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से
और भी जल्दी तोड़ पाओगे। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसको अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया 100% वर्किंग है, और इस ट्रिक को सबसे पहले मैंने खुद पे अप्लाई किया, यानी खुद के मोबाइल फोन का लॉक तोड़ा, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को ये जो ट्रिक है बताई है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया हो तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको ऑन कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आए लॉक को तोड़ने में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और दोस्तों आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो लॉक के रिगार्डिंग तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहां पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो।